राधा गांव में लड़ाकू कनकम्मा की किराने की दुकान पर जाती है, लेकिन देखती है कि दुकान और घर दोनों बंद है। ये क्या, लड़ाकू मुर्गी कनकम्मा जो तिरुपति गई है उसने कहा था कि 3 दिन में आ जाएगी, लेकिन 4 दिन हो गए हैं और ये पूरा परिवार तिरुपति से अभी तक नहीं आया। घर पर ताला लगा है, दुकान पर भी। लड़ाकू कनकम्मा अपनी दुकान छोड़कर 4 दिन हो जाने के बाद भी मजे से रह रही है। सब भगवान वेंकटेश्वर की महिमा लगती है। जब राधा लड़ाकू कनकम्मा की किराने की दुकान से दूर जाने लगती है, विनोद और सुधा ऑटो में आते हैं और अपने अपने बैग्स पकड़कर नीचे उतर जाते हैं। सुधा का चेहरा खुशी से खिल रहा था, लेकिन विनोद का चेहरा बेहद उदास था। सुनो, ऑटो ड्राइवर को पैसे तो दो ताकि वो जा सके। विनोद ने यह भी नहीं पूछा कि कितना किराया हुआ और 100 रुपए का नोट ऑटो ड्राइवर को दे दिया। ऑटो वाला पैसे लेकर चला गया। राधा उन्हें देखती है। ये क्या, बेटा और बहू नजर आ रहे हैं, लेकिन कनकम्मा कहां चली गई? ये सोचकर राधा उनके पास जाती है। वो सुधा और विनोद को देखती है। राधा को लगता है कि सुधा खुश है और विनोद दुखी। पति पत्नी में किसी बात पर बहस हुई लगती है। सुधा के मन की हुई है, इसीलिए वो खुश है। विनोद की सुधा के आगे चली नहीं होगी, इसलिए वो इतना दुखी लग रहा है। राधा ये सोचते हुए सुधा से पूछती है। सुधा, तुम्हारी सास कहीं दिखाई नहीं दे रही? मुझे नहीं पता आंटी, इनसे पूछिए, सुधा कहकर चली जाती है। सुधा के कहने पर राधा विनोद से पूछती है, लेकिन वो भी बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा कि लड़ाकू कनकम्मा कहाँ है। राधा थोड़ा अजीब महसूस करती है, लेकिन चली जाती है। सुधा और विनोद घर आए, ताला खोला और घर के अंदर घुसे। उन्होंने कनकम्मा की तस्वीर को दीवार पर लटके हुए मुस्कुराते हुए देखा। सुधा बिना देर किए बैग से एक माला लेती है और फोटो को चढ़ा देती है। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं माला क्यों खरीद रही हूँ, इसीलिए खरीदी थी। विनोद ये देखकर रोने लगा। नहीं सुधा, माँ की तस्वीर पर माला मत डालो, मैं ये नहीं देख सकता। हम नहीं जानते कि वो मरी है या नहीं। तुम्हारी माँ तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन से गिर गई। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी माँ जीवित होगी अभी तक? वो जिंदा रहे ना रहे और वापस ना आए, ये तुम एक बहू के रूप में चाहती हो जो बदला लेना चाहती है, लेकिन एक बेटे के रूप में जो अपनी माँ से प्यार करता है, मुझे अपनी माँ के जीवित रहने की इच्छा है और ये भगवान तय करेगा। हमें देखना होगा कि वो क्या करता है, तुम्हारे बदले की भावना को जिताएगा या मेरे प्यार को। सासू माँ, लड़ाकू कनकम्मा, आपने अपने बेटे को जीवन साथी के रूप में मुझे दिया, आश्रय के लिए ये घर दिया, जीवन गुजारने के लिए दुकान दी, फिर अब आपके जीवित लौटने की क्या जरूरत है? मैंने आपको चलती ट्रेन से लात मारी, आप घाटी में या पेड़ों पर गिरी होंगी। जिंदा नहीं बचना, और बच भी जाओ तो वहीं रहो, क्योंकि तुम बहुत 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 बुरी सास हो। सुधा रसोई में खाना बना रही है और खुश है कि उसकी सास वहां नहीं है, और ऐसा सोचती है, हमारी लड़ाकू सख्त सास वाली मुसीबत दूर हो गई है। मैं जिस भी बात के लिए डरती थी कि मैं क्या छूं क्या नहीं, जब मैं कुछ खाती थी तो वो अपने शब्दों से मुझे काटती थी, अब मेरी पसंद चलेगी, मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगी, मैं जैसा चाहूं खाना बना सकती हूं। मैंने सोचा था कि जिस बहू के पास सास नहीं होती वो सबसे सुखी होती है, लेकिन जब तक मैंने खुद इसका अनुभव नहीं किया मुझे समझ नहीं आया कि सबसे अच्छा क्यों है। आज मन कितना शांत है। इसी बीच उसका पति विनोद किचन के पास आ जाता है। सुधा, मेरी माँ के फोटो पर लगी माला हटा दो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं अपनी माँ से इतने दिनों तक दूर कभी नहीं रहा। सुबह होते ही वो रेडियो की तरह हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, देखो हमारी माँ के बिना घर में कितना सन्नाटा है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? अगर माला डालने से ये सच हो जाता कि वो जिंदा नहीं रहती तो ये काम मैं उनके रहते ही कर लेती, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं कह रही हूँ मेरे दिल को कुचलते हुए कि तुम्हारी माँ इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, वो एक सख्त जान है जो दूसरों को मार सकती है, वो बहुत अड़ियल है। मुझे बताओ कि क्या वो इतनी आसानी से मर सकती है? वो वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर
वो किराने की दुकान खोलती है। वो उसे अच्छी तरह से साफ करती है और ग्राहक की प्रतीक्षा में बैठ जाती है। राधा जो इंतजार कर रही थी कि किराना की दुकान कब खुले, जब वो देखती है कि लड़ाकू कनकम्मा की दुकान खुली है। क्या दुकान खुल गई? लड़ाकू कनकम्मा आ गई। शायद एक सप्ताह हो गया है, मैंने उसके मुंह से चिल्लाने और गालियों वाले अपशब्द नहीं सुने। मेरे कानों में जो जंग लगी है, जब उस आवाज को सुनेगी तो तुरंत झड़ जाएगी। ये सोचकर वो दुकान के करीब आती है। दुकान में बहू सुधा को देखती है, यानी लड़ाकू कनकम्मा नहीं आई। राधम्मा का चेहरा छोटा हो जाता है। सुधा ने ये देख लिया। अरे आंटी, मेरी सास अभी भी तिरुपति में है, कुछ दिनों के लिए वो भगवान की आराधना करेगी, फिर वापस आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आंटी आपको क्या चाहिए था? मैंने तो सोचा था कि लड़ाकू कनकम्मा आ गई होगी, पर वो नहीं आई। मेरी सास मुझे आपके बारे में हमेशा बताती रहती आंटी कि मेरी राधा मुझे विशेष रूप से प्रिय है। एक रुपया ज्यादा ले लो वो ठीक है, लेकिन उसे जो चाहिए वो दे दो और खाते में लिख लो। राधा ने जैसे ही ये शब्द सुने वो खुशी से झूम उठी। वो 200 रुपए का किराने का सामान जैसे शैम्पू, साबुन और सब ले जाती है। सुधा भी संतुष्ट महसूस करती है, राधा किराने का सामान लेती है और चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुधा और विनोद रात में सो रहे थे। लड़ाकू कनकम्मा रात में गांव में अकेले घर आती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। विनोद विनोद जागो, मैं हूं तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो बेटा। कनकम्मा दरवाजा खटखटाती है। सुधा की आंखें तुरंत खुल गई। दरवाजे पर दस्तक होती उसे सुनाई दी। आवाज सुनाई तो मेरी सास जैसी रही है, क्या किसी संयोग से वो बच गई? सोच समझकर बिस्तर से उठी और हॉल में आई और दरवाजा खोला। बाहर आकर देखती है, जहां उसे कोई नजर नहीं आता। लड़ाकू कनकम्मा पहले से ही अंदर दाखिल हो चुकी थी, सुधा को दिखी नहीं। सब कुछ मेरा भ्रम है, जो मर गई वो फिर से कैसे जीवित होकर आ जाएगी? ये सोचकर वो वापस जाती है और सो जाती है। लड़ाकू कनकम्मा रसोई में है, वो चावल खा रही है। सुधा सो गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली। ये क्या, रसोई से बर्तनों की आवाजें आ रही हैं? ये सोचकर वो उठ जाती है। विनोद और वो साथ में किचन में आ जाते हैं। देखते हैं कि लाइट जल रही है और कनकम्मा चावल खाते हुए नजर आती है। सुधा को डर लगता है कि वो भूतनी है, लेकिन विनोद उसकी माँ होने के नाते से छू लेता है। तब सुधा समझ गई कि उसकी सास जिंदा वापस आ गई है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू मुझे जानबूझकर मारना चाहती थी, इससे सावधान रहना होगा। इसके अलावा मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं क्या चीज हूं, कनकम्मा सोचती है। जब से सास कनकम्मा घर वापस आई थी, सुधा की खुशी हवा हो गई थी। वो सोचती है कि अगर उसकी सास जीवित रहेगी तो वो खुश नहीं रह सकती। मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरी सास जिंदा रहेगी तो ये नहीं हो सकेगा। सासू माँ, मेरे माता पिता ने फोन किया है कि दहेज के रूप में दी गई 10 एकड़ जमीन हमारे नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए, और उन्होंने ड्राइवर के साथ एक कार भेजी। गाड़ी रखकर ड्राइवर ये कहकर चला गया है कि कुछ जरूरी काम आ गया है। यूं भी मुझे गाड़ी चलाना आता है, तो चलिए चलते हैं। बिना कुछ सोचे समझे 10 एकड़ का खेत मिल रहा है, ये सोचकर कनकम्मा जाकर कार में बैठ जाती है। सुधा खुशी खुशी गाड़ी चलाती है। कुछ दूर जाने के बाद रेलवे ट्रैक दिखाई देता है। सुधा ट्रैक पर गाड़ी ले जाती है और रोक देती है। कार स्टार्ट नहीं होने का ड्रामा करती है। कार शुरू नहीं होती, कनकम्मा के लिए सब कुछ उलझन में डालने वाला होता है। सुधा कार से नीचे उतरती है और कार को चाबी से लॉक कर देती है और जाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मेरी मदद करो, सास चिल्लाती है। एक ट्रेन उस ट्रैक पर आकर कार से टकरा जाती है। अगले भाग में देखिए कि सास के साथ क्या हुआ।